क्या लगता है अभी डेढ़ साल हो गया, पहला दिल्ली पुलिस था, उसके बाद सीबीआई आ गया, आपको क्या लगता है कुछ होने वाला है? सर, ना दिल्ली पुलिस ने कुछ करना था ना किया, और ना ही सीबीआई कुछ कर रही है। मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे पहले से ही कहा कि आप कोर्ट में डालिए इंडिपेंडेंट टीम के लिए। कोर्ट पे मुझे यकीन है, कानून पे यकीन है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस पे बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। उन्होंने हमें पहले दिन से मुझे धोखा दिया है और अब तक मुझे धोखा दे रहे हैं। एक साल पाँच महीने हो गए, इनके पास कोई भी क्लू नहीं है ऐसा कि नजीब कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। और उल्टा उन लड़कों से कभी पूछताछ नहीं की गई, हमेशा मेरे घर जाके मुझसे पूछताछ की जाती है, बधाइयों में, स्कूल में, कॉलेज में, उसके दोस्तों से, मिलने वालों से, उनसे जाके पूछा जाता है। उनसे क्यों नहीं पूछा जाता जिन्होंने उसे बेवजह मारा पीटा, उसके बाद उसे गायब कर दिया, उनसे कब पूछा जाएगा? मैं चाहती हूँ उनसे पूछा जाए, उनका इंटरोगेशन किया जाए, तब पता चलेगा राजीव कहाँ है। मुझे अल्लाह पे भरोसा है कुछ गलत नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन उन्होंने उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखा है, जब ये फंसेंगे तभी निकालेंगे सर उसे, जब तक ये कुछ नहीं कर रहे। आपको लगता है कि वो जिंदा है? हाँ, आ जाएगा। मेरा दिल कहता मेरा बच्चा जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। उसे कुछ नहीं हुआ, वो जहाँ भी है सेफ है। मैं हमेशा उसकी सलामती की दुआ मांगती हूँ, दिन रात एक कर दिया है मैंने। मेरे साथ साथ पूरी दुनिया से लोग हाथ उठाए हुए हैं, ये हमारे मुल्क की नहीं पूरी इंसानियत का तकाजा है। एक बेगुनाह को इस तरह से गायब कर दिया गया है। अगर नजीब को वापस नहीं लाया गया तो इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा लोगों का। मैं फिर कह रही हूँ नजीब को ढूंढ लाओ, मुझे उसके उसको मेरे हवाले कर दो, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मैं पहले से भी कह रहा, अब भी कह रही हूँ कि बस मैं सिर्फ तुम्हें दुआएं दूंगी, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई बददुआ नहीं दी है। और जिस दिन मैंने बददुआएं दी तो तुम नौ की नौ माए तुम्हारी से शक्ति फिरेंगी। मेरी बददुआएं मत लो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, बस यही कहूँगी। अब तो मुझसे बोलने की भी ताकत नहीं रही मेरे अंदर, मैं थक चुकी हूँ भाग भाग कर, थक गई हूँ सर, मैं थक गई हूँ। कुछ करिए सर, जल्दी करिए, मेरे नजीब लौटा दे। डेढ़ साल हो गया, एक साल दिल्ली पुलिस ने हमको घुमाया, हम लोग बार बार कोर्ट में गए, दिल्ली पुलिस ने ये प्लान ये बताया कोर्ट को कि नजीब ने अपने आप सुबह एक ऑटो में बैठ गया, निकल गया, अपने आप वॉलंटरली निकल गए। ये थियोरी के हिसाब से उन लोगों ने एक साल से हमको गुमराह किया। एक साल के बाद जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेंज हो गया, सीबीआई आ गया, तो सीबीआई ने बताया, हमें बताया, कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया, ये थियोरी जो है ऑटो वालों का जो थियोरी है वो गलत है। सीबीआई ने बताया कि दिल्ली पुलिस गलत किया, पूरा गलत थियोरी है। और अभी छह आठ महीना हो गया सीबीआई चला रहे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन परिवार को लगता नहीं कि कुछ होगा। और अजीब बात यह है कि जो लोग सीबीआई के हिसाब से आरोपी हो सकता है उनका अरेस्ट नहीं हुआ, उनका इंटेरोगेशन नहीं हुआ। ये परिवार का कहना है कि ये गलत है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और हमें लगता है कि क्योंकि सीबीआई केंद्रीय सरकार के नीचे आता है, केंद्रीय सरकार के दबाव में पड़ता है, सीबीआई का हाथ बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा।
एक साल चला जाएगा और एक साल चलेगा और डेढ़ साल चलेगा, दो साल चलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा सीबीआई, हमारा विश्वास ही टूट गया।